अरे यार, ये तो दिल तोड़ दिया यार इस भाई ने तो। भाई है दांत ले, फिर क्या फायदा भाई इसका। ये गई गाड़ी तो अच्छी है यार। मम्मी जी स्लीपिंग, सोने की तैयारी तू क्या कर रहा भाई? दवाई डाल देता हूँ क्योंकि मैंने डॉक्टरी कर रखी है। अच्छा, और मैं डॉक्टर बन जाऊंगा 2-1 साल। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो आ रही है तेरे यहाँ से। अच्छा, फोन रख रखा है मम्मी ने, यहाँ व्लॉग चला रखा, वहाँ आपको दवाई डलवा लेट जाएंगे, देखेंगे ना बस हम आवाज सुन के ही समझ जाएंगे सारी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस, आई होप आप सब लोग अपने घर पे ठीक ठाक होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो भाई नहा धो के आज का पता नहीं क्या हुआ, मैं व्लॉग अपलोड कर रहा 12 बजे से 1:30 बजे जाके अपलोड हुआ। पता नहीं किस बात की क्या दिक्कत आ रही थी, यूट्यूब में शायद कुछ ग्लिच चल रहा था, पर हो गया फाइनली। उसके बाद मैं फिर नहाने गया और अब हम जा रहे हैं गाड़ी के लिए। तो बिना किसी वेट के निकलते हैं। पटियाला को भी फ़ोन करा था मैंने, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने कहा यार सारे चल लेंगे, पर उसका बंद आ रहा, तो एक बार दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। संदीप को उठा लेते हैं, पटियाला को उठा लेते हैं, फिर चलते हैं। वो तो ठीक है भाई, रुक जा, आ जा आ जा आ जा आ जा बेटे आ जा। चल रहे हैं, क्या मारूँ यार, देख भी रहा तुम्हें बेटा, थार लेके चलेगा क्यों? फिलहाल निकल रहे हम थार लेके भाई, सीधा हुंडई जाएंगे पहले। अगर होंडा पहले पड़ेगा तो वहाँ चले जाएंगे, वरना सीधा हुंडई जाएंगे। गाड़ी बहुत सारे लोगों ने सही गैस कर ली, अभी नहीं बता रहा, वहीं जाके दिखाऊंगा ठीक है। तो मैं मतलब उसका कोई नया मॉडल आ रहा। अरे यार ये तो ये भाई मेरे पीछे पड़ रहा, मेरी फील्डिंग बैठा रखे इसने। चल भाई क्या भूल गया, चल ठीक है। अम्मी जी हमारे एक चीज़ बता, बस गाड़ी का कलर कौन सा लेकर आना है फिर कभी आपको? कौन सा कलर लाना गाड़ी का आप बताओ, जल्दी बताओ, सब अच्छे लगे। आप बताओ कौन जिस कलर की मम्मी टी शर्ट पहन रखी है? ना ना, व्हाइट या ब्लैक? मम्मी एक कलर बता दो, ब्लैक। मम्मी आपको वैसे व्हाइट पसंद है? ब्लैक ब्लैक ही जमेगी गाड़ी तो। चलो ठीक है, मैं आ रहा, मैं ब्लैक ही जमेगी। भाई मेरा पर्स कहाँ है? सब कुछ उसमें, थार में रखा है। चाबी ले ली? थार की वो यहीं रखी है, देख ले एक बार, टेबल पे तो रखी थी। दांत ले, मेरे कमरे में रखी होगी, वहां ले ले। ब्लैक कलर में ही जमेगी जो गाड़ी हम लेने जा रहे हैं। जमेगी क्या? अगर उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा दी, जो कि हम कराते हैं वैसे जनरली, पर अगर करा दी उसमें, तो ऐसा लगा लो कि थोड़ी सी नहीं थोड़ी सी ज़्यादा, तो फिर एक उसकी अलग ही लुक है, एक अलग ही टोरा है। देखना जब हो जाएगी, जब की बात है, फिलहाल तो मैं दिखा के लाते हैं कौन से दो ऑप्शंस हैं। वो स्कॉर्पियो की लेनी है चाबी ना? चल, तो मेरा पर्स वहीं रखा है, मेरा पासपोर्ट यहाँ रख दिया मैंने पुराने वाला, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, पर मेरे को ये साथ रखना है बस, नया आ जाएगा मेरा 10 दिन में। उन्होंने कहा है कि इसे साथ रखना भाई, दोनों साथ रख के चला। हाँ कुछ ऐसा सा कहा है कि साथ रख लेना, वैसे ये कैंसिल कर दिया वैसे तो इस पर लिखा वो थोड़ी है कि अगर तू तो कहीं जा रहा था तो यो भी दिखा रही, यो भी दिखा ना, 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 ना। पता ना शायद पहली बार में कुछ होएगा या पता ना, एक बार पूछ लियो किसी से ना। इस पे वैसे तो वो लग गई है, स्टैंप लग चुकी कैंसिल, ये इस पे मेरा कोई वो नहीं लग सकती, अब कहीं भी मैं जा नहीं सकता इसके भरोसे, नया ही लेके जाऊंगा। और नए के चक्कर में दांत ले, मैं सोच रहा था अभी मतलब मार्च में 16 तारीख का जाने का सोच रहा था, ठीक है, कहीं जाने का सोच रहा था, तो अब वो भी ना जा सकूं। क्यों? क्योंकि नया पासपोर्ट तो आया नहीं है, ये कैंसिल तो आ जाएगा 16 तारीख। अरे तो वो भी अरे वीज़ा भी तो लगवाना पड़ेगा ना वहाँ का यार, 10 दिन पहले का चक्कर है वहाँ वीज़ा का। कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिले कर लेते हैं, मतलब अप्रैल के स्टार्टिंग में चले जाएंगे। क्यों? दुबई घूमना है, बाहर देश। बाहर देश? कौन सा बाहर देश? कोई भी चलेगा, पर बाहर देश होना चाहिए। अच्छा जी, तो फिर वहाँ हुआ कहाँ? नेपाल। बाहर देश ही तो है वो, दांत ले नेपाल में। इतना बढ़िया हो रहा हूँ, एक नंबर जगह है। जा नेपाल ना, वहाँ जाऊँगा। कहाँ? अरे वो कौन सा था, पेरिस। पेरिस जाएगा? अच्छा ठीक है। दांत ले, हाथ में घड़ी पहननी भूल गया, पर्स लेना भूल गया, बहुत ही अधूरा अधूरा से लग रहा है, कुछ और चीज़ भी भूल गया, भूल रहा हूँ मुझे। शायद गाड़ी में ही यार, एक बार चेक करना पड़ेगा। इधर खड़ी राइट में ही। सुन वैसे एक बात है, हाँ देखो, कपड़ा नहीं लगने के बावजूद भी नहीं, नहीं भाई कल मौसा जी ने वहाँ करवा दी थी, ऑफिस में साफ करवा दी थी। हाँ यस, ये तेरा वो पड़ा भाई तेरे गर्दन का, मतलब ये लाया तो मैं था एयरपोर्ट से, इसने हड़प लिया था। एयरपोर्ट वहाँ रखे, ऑफिस रखे, यूज करे हाँ? करे हाँ?
चलो नहीं लाऊंगा एक लिया यो नहीं लेट्स गो भाई दो लोगों के लिए तो ये समझ लो तुम कि दो लोगों के लिए तो बेस्ट है थार कोई दिक्कत परेशानी है नहीं पर तीन या चार जब हो जाए पीछे बैठने में गड़बड़ है फिर वहां स्पेस नहीं है पीछे वाले को वैसे भी घुटन से हो जाती होगी कैसे क्या भाई नू बता इतनी गाड़ी इनका किराया के या तो अगर देख तू ला रहा है नई गाड़ी तो भाई एक गाड़ी देनी पड़ेगी कोई सी भी दे देगा या तो या देनी है क्यों क्योंकि अब एक बात मान यार सुन मेरी बात सुन पार्किंग है अभी तो चल तू खड़ी कर लेगा तू 10 गाड़ी कर ले मेरे लिए कोई दिक्कत ना है पर यहाँ पार्किंग में तो फिर उनता लड़ते डोलो भाई पार्किंग की मैं बताऊं अपने पास गाड़ी कितनी है 5 अपने पास घर कितने हैं 4 तो भाई ऐसा थोड़ी है वहां खड़ी कर दो तो वो तो ऑफिस पे जाएंगे तो ऑफिस पे कर दो ऐसा तो ऑफिस पे जहाँ है ऑफिस पे एक गाड़ी खड़ी हो सके क्योंकि वो वाला ऑफिस हम चेंज कर रहे हैं यहाँ वाले पे सिर्फ एक खड़ी हो सके वो भी बड़ी मुश्किल था तो एस तो कैपिटल में भी है बीपीडी में भी है 9X में भी है कैपिटल में भी एक है हाँ तो एक एक है कोई दिक्कत ना है वो देख लेंगे अभी तो गाड़ी वाड़ी कैसी कोई दिक्कत ना है थार की कह रहा था मैं थार की कह रहा था दादले अगर किसी के पास एक ही गाड़ी हो थार तो उसे दिक्कत आती होगी बहुत है ना फैमिली के साथ कहीं भी जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी अकेले दो लोग तक भी चल जाए लेकिन अगर ये होगी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो तो फिर बेकार ऑप्शन है थार है ना फैमिली के लिए पीछे तो बिल्कुल ऐसा है कि अजीब मतलब घुटन मम्मी टाइप के लोगों को तो घुटन मेरी मम्मी तो मना करती थी कि भाई थार में पीछे यार अजीब थोड़े सी दूर के लिए तो चल फिर भी मजबूरी में इंसान बैठ जाए लेकिन लंबे सफर में जाना हो तो घुटन से होने लगती है सफोकेशन हो जाती है बहुत ज्यादा बैठी है एक दो बार ना पीछे ना एक आध बार बैठी है थोड़ी सी दूर के लिए यहाँ से वहां तक चले गए ऐसे बस इसका बस ये है कि ऑफ रोडिंग करो तब है मजा है ना कहीं भी चढ़ा दो कहीं डिवाइडर पे कुदा दो कुछ भी कर दो उस चीज के मजे रास्ते में पहले हमारे यहाँ पड़ गया होंडा तो हम जा रहे हैं अभी होंडा ह्युंडई का जो है वो आगे चल के वो पड़ेगा मेरे ख्याल में सुभाष चौक के वहां पड़ेगा दादले है ना हाँ तो वो थोड़ा सा दूर है पहले यहाँ चल लेते हैं इसका भी देखना जरूरी है क्योंकि जो दो ऑप्शन है एक ये और एक दूसरा Hyundai वाला दोनों ही वो कर रहे हैं दोनों में से फाइनल करना है निकालेगा ये जल्दी लिया तो भाई होंडा की पार्किंग ऊपर ही यहाँ लगा देना इस गाड़ी के पीछे वैगन आर के पीछे लगा दे आराम से बहुत निकालेगा ऐसी बिठा देगा हाँ ये भी बात सही नंबर वैसा देखो आराम से पीछे गाड़ी है डीएल नंबर है तो यार कैमरा के बिना बड़ी दिक्कत है आवाज के भरोसे चलना पड़ेगा टूटो टूटो सेंसर जब बोलेंगे उसके बाद देखा वो आगे लेगा ना देख आगे ना वो यही लेगा बैक लेगा भाई उसे निकलने जाती इसके ऊपर से दूध आएगा बेचारा थार थोड़ ले रहा है वो जो इस पे कूदा देगा थार की अलग कहानी है बाकी होंडा सिटी तो है अपनी पर ये पुराना मॉडल है ना हाँ ये पुराना भाई मैं बता दूं तुम्हें मेरी फेवरेट कार बचपन में थी ये होंडा सिटी मेरे को बहुत प्यारी लगी करती पता ना क्यों इसमें ऐसा है क्या मेरे को समझ में अब नहीं आता पर मेरे को बहुत बढ़िया लगी करती इसलिए मैंने सोचा कि गाड़ी लेनी ही है और बचपन का सपना पूरा हो जाएगा ये देखिए लिख रही ना सिटी डेंजर लग रही है देखिए खड़ी सारी होंडा सिटी खड़ी है यहाँ तो भाई अमेज खड़ी है वो है अमेज तो ये तो होंडा सिटी है चलो इस तो बेकार है ये देखते हैं चल कैश ले लिया भाई मोटा देख रहे हो 500 नोट रखा है एक पहली बार है मेरे पास कैश वरना मैं कैश कैरी करता नहीं हूँ बेटे चमाचम कर रखी गाड़ी तो भाई सारी ये ना ब्लैक कलर एक नंबर भाई ये यहाँ फॉर्मेलिटी कर रहा है जो करनी है मैं गाड़ी देख रहा हूँ कलर तो ब्लैक तो ये होएगा ना शायद हाँ सनरूफ भी है जो चाहिए मेरे को जरूरी भाई सबसे लेटेस्ट ये वाली है लेटेस्ट जो है ब्लैक आता ही निकला क्या बात कर रहे हो ऐसा थोड़ी हो सकता है ये खड़ा ब्लैक गोल्डन ब्राउन है सर ये अच्छा गोल्डन ब्राउन है क्या मैं तो इसे ब्लैक समझ रहा था ब्लैक लग नहीं रही थी वैसे मेरे को लगा कुछ अलग ब्लैक होए भाई और फिर ब्लैक के बिना कैसे बात बनेगी दांत ले कलर कोई और लेगा फिर तो वो रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा बता कैंसिल भाई ब्लैक कलर में है ही नहीं होंडा सिटी ब्लैक कलर नहीं आता सर ये गोल्डन ब्राउन ही आता अरे यार ये तो फिर गलत हो गया यार है भाई कैंसिल होंडा सिटी कैंसिल वरना ब्लैक के अलावा कोई और गाड़ी तो ले ही नहीं सकते हम ब्लैक ही ले सकते हैं भाई पंडित ने बता रखी है और यही है वो पंडित तो फिर देखेगा बाकी चीज़ है ना देख लेगा वरना के कंपैरिजन में ये बढ़िया ज़्यादा वरना को बीट कर देगी हर चीज़ में अरे यार ये तो दिल तोड़ दिया यार इस भाई ने तो भाई है दांत ले फिर क्या फ़ायदा भाई इसके बेटे गाड़ी तो अच्छी है यार बैठने में तो अच्छा लगा मेरे को इसमें मैनुअल है और ये तो है इसमें ऑटोमेटिक भी नहीं आती होगी क्या आती आती लेकिन भाई ब्लैक कलर चाहिए होंडा सिटी में ब्लैक कलर आ भी ना है ऐसा कैसे हो सकता है यार वो करवा सके रैपिंग
ना नई गाड़ी लेते ही कोई रैप कोई वो पॉइंट थोड़ी, और वो भी ब्लैक, ब्लैक तो मिल ही जाएंगे यार, वरना तो आया ना ब्लैक कलर में, वरना तो आती है। दूसरी जो गाड़ी है वो हुंडई में जो है वो वरना है, वरना का नया मॉडल आ रहा है 27 मार्च को, मेरे को कोई बता रहा था, पता नहीं किसने बताया था, 27 या 28 मार्च को आ रहा है, और वो एक नंबर लग रही है गाड़ी देखने में, तो उसका भी देखते हैं उसके एक बार, देखते क्या फिर, तो वही है ब्लैक में अगर है नहीं तो गाड़ी, क्योंकि गाड़ी चाहिए ब्लैक ही। वैसे जो ऑल ओवर गाड़ी की लुक है भाई वो अच्छी लग रही है यार दातले, वैसे तो है ना देखना सनरूफ वनरूफ अपना बढ़िया एक नंबर, पीछे भी वैसे भी स्पेशियस सी लग रही है। चार्जिंग का वो ना क्या ना है, वायरलेस चार्जर वरना में है। अच्छा जी, तो भाई वरना ही जमेगी जहाँ तक है मेरे को ऐसा लग रहा है, लेकिन गाड़ी अच्छी लग रही है यार, मतलब बैठने के बाद मेरे को थोड़ी वैसे भी कंफर्ट लग रही है, कंफर्टेबल भी लग रही है, और बचपन का सपना था यार, पर ब्लैक कलर नहीं है तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। सुन फिर इसका वो प्राइस वाइज पूछा या कैसा धरन दे, फिर लेनी ना था ना है ना, ब्लैक ही ना नहीं तो ले लेते। एक बार वैसे पूछ ले कि इंजन मतलब कंपेयर करने के लिए, वरना की टक्कर में एक गाड़ी तो चाहिए ना यार, कंपेयर करके लोगे तो हमेशा थोड़ा सा ये रहता है दिमाग में मेंटली कि हाँ भाई हमने बेस्ट चीज़ ली है, अगर उससे कुछ बहुत बढ़िया हुई तो फिर ब्लैक रैप करा देंगे, वो तो क्या है ना अगले बता, या फिर और कोई गाड़ी है जो वरना की टक्कर में, फिर ये तो है ना जो ब्लैक में मिल जाए, देखते हैं। वो है क्या नाम है, हाई राइडर है, इन्होंने मेरे तो पहले बताई थी एलिविशन और करप्ट ने कि हाई राइडर टोयोटा की है ना शायद, वो पता ना किसकी हाई राइडर है, पर मेरे को पर वो देखने में अच्छी लगी ना थी, ब्लैक कलर है उसमें वैसे तो, चलो देखते हैं वरना के टक्कर में एक गाड़ी और देखेंगे, इसमें तो नहीं बन रही बात, ये तो कैंसिल है। चले फिर प्राइस वाइज ना पूछ रहे कुछ भी है ना, टाइम खराब करने वाली बात है। चलो भाई हमने नहीं पूछा इसका रेट भी, हमने तो सीधा मैंने कहा नहीं है चलो निकलते, सीधा सीधा हिसाब है। अरे भाई ये क्या हुआ, बंद क्यों नहीं हुई, ब्लैक कलर नहीं है तो नहीं फिर लेनी, क्योंकि अपना जो डिसाइड हुआ था अपने बेसिक्स याद है, ब्लैक कलर 0004 ये वाली चीज, 0004 का तो देखेंगे, खैर अभी वो तो थार पे भी करवाना, अभी इसका भी ना हुआ ना थार का, नंबर कब खुलेगा भाई सीरीज, नंबर देखो अभी तक खुली नहीं है गाइस, 426 वाली सीरीज जैसी खुल जाएगी फिर इसका नंबर तो लेने जाना ही, थार का अगली गाड़ी का देखते हैं फिर क्या है। इधर से, अरे वाह अंकल स्माइल कितनी बढ़िया यार, इधर से हसमुख अंकल, मैंने ऐसे हसमुख लोग बहुत पसंद आए देख, ठीक है भाई ऐसे हसमुख लोग मेरे को बहुत पसंद आते हैं भाई सही में। इधर से जाना है, अच्छा इधर से भाई एंट्री है ना। सुन थार का एक फायदा था, मैंने जाल के उस पर नीचे उतार दिया एकदम, जाल पे ना थी मेरी गाड़ी तो पता भी ना चली, तो वो छोटे मोटे वो पता ना चलते भाई, बाकी गाड़ियों में पता चलते थार में नहीं। लो अंकल ने कहां से करवाया, पीछे से घुमा के पूरा, अब ये हम आ गए इधर साइड, कौन सी जगह है यहाँ आया हुआ यार मैं पहले, दांत ले पता ना रास्ते तो निकट है वहां पे जो अपने घर की साइड है ना, ना ना जाम लग जाए अपना लिखा है। अच्छा मैं तो लाया ही ना कभी यहाँ से, मैं तो सीधा सीधा ही गया हूँ। एनीवेज अब चल रहे हैं भाई सीधा हुंडई, क्योंकि यहाँ हमारी बात बनी नहीं, मज़ा नहीं आया इसमें, तो हुंडई चलेंगे, और एक बार अगर चले तो फिर टोयोटा भी चल लेंगे हाई राइडर देखने के लिए। तो वैसे तो बात पड़ेगी, अब भी पड़ेगी रास्ते में, फायदा ना जब लेनी ना तो क्यों देखना। हाँ तो चल सीधा हुंडई लगा भाई, आधे रास्ते से वापस आ गए हम लोग, वरना नहीं देखने जा पाए अभी, कुछ काम मतलब थोड़ा सा कुछ रीजन हो गया था उसके वजह से। इसका नाम देख कैसा, किसका वरना, मैं कल जैसे कह रहा तू, कल मैं इससे कह रहा, कल किस बात पे कह रहे थे, किस बात पे बात तोड़ दी, वरना नहीं कुछ ऐसी वरना कौन सी वरना, पता ना क्या बात चल रही थी हमारी, कुछ ऐसी बात चल रही थी मतलब, वरना नाम है ना गाड़ी का, तो ऐसा नहीं होता कि वरना क्या कर लेगा तू, तो वो वाला वरना ये सोच रहा वरना वो कह रहा है, मैंने तू पागल है क्या दांत ले, गाड़ी की बात चल रही है तो वो चक्कर हो गया था। ओ बेटे क्या मस्त घेर रखी है गाड़ी, देखना गाय होने सारे बीच में। हाँ तो भाई उसका थोड़ा सा सीन है, सीन मैं तुम्हें बताता हूँ आराम से, पहले एक जो एक छोटा सा काम आ गया अर्जेंट वो निपटा के आता है, फिर तुम्हें आराम से बैठ के समझाता हूँ। भाई हम घर आ चुके हैं, मम्मी जी अपना गेट बंद करके सो गई होंगी कि बाड़ा गाड़ी लेने गए हैं, लेकिन हम जल्दी वापस आ गए, मम्मी सोच रहे अभी टाइम लगेगा। रीज़न ये है कि वरना का जो है वो नया जो मॉडल आ रहा है वो आ रहा है कुछ दिन बाद, अभी तक आया नहीं है 27 के बाद। हाँ तो और एक अपने भाई है तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई मैं साथ चल दूंगा कल, मम्मी जी आ गई कि मैं कल साथ चल दूंगा बुक करवा के, जो पहली गाड़ी आएगी मम्मी वो अपनी आएगी, करवा के नहीं आई, इतनी जल्दी कहाँ करवाएंगे, अभी कल जाना पड़ेगा उसके लिए। तो फिर वो कह रहा कि भाई साथ चल देंगे, और जैसे ही गाड़ी आएगी तो सबसे पहले अपनी गाड़ी आ जाएगी तो उसी टाइम बुक कर, मेरे साथ चल के बुक कर देना। मैंने कहा चलो ठीक है भाई ऐसा कर लेते हैं, हमें कोई जल्दी तो ऐसी है नहीं कि भाई बुक करने में कोई वो है, गाड़ी आने की जल्दी होनी चाहिए, बुक करने में क्या आज की जगह कल कर देंगे। थार को छोड़ दिया जतिन शर्मा के हवाले, हम चलेंगे अभी भी लेके, क्योंकि ये जाएंगे कहीं ऑफ रोडिंग करने, फिर स्क्रैच दिख गई मेरा हर्ट हो गया दिल, अंदर से देख लो भाई तुम अपनी गाड़ी, देख गाय की रोटी रख रखी, दांत लेने सुबह से अब तक दी नहीं है, पर ये देखो भाई जो पूरी ब्लैक जो ये लुक है ना स्कॉर्पियो की, तुम इसमें बैठने के बाद किसी और स्कॉर्पियो में बैठ नहीं सकते, ऐसा अपना हबीबी का टोरा। बहुत दिन हो गए, आज सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ इंस्टाग्राम के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम रील जो मैं डालता रहता हूँ कभी कभी,
अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए वो बनाता हूँ एक, जाके इंस्टाग्राम पे देख लेना कल, ठीक है? तुम्हें मिल जाएगी वहीं, मतलब जब तुम ये व्लॉग देखोगे तब तक मिल चुकी होगी। अच्छी खासी भीड़ है रात को, दस वाला शो होने के बावजूद। सच बता रहा हूँ, बहुत टाइम बाद ऐसी मूवी देखी है जिसके खत्म होने के बाद लोगों ने तालियां बजाई है इसमें, क्या बोलते हैं, थिएटर में। ना कोई लड़ाई झगड़ा, मतलब आजकल ये KGF टाइप मूवी ज़्यादा बन रही है ना, वैसा कुछ नहीं, बिल्कुल रोमांटिक कॉमेडी, मतलब एक नंबर। मेरे को तो बहुत सही लगी मूवी, और मतलब लास्ट में एक मैसेज भी है, मतलब पूरा वो है आजकल की लव स्टोरीज के ऊपर कि भाई फैमिली या फिर प्यार में से एक चुनना पड़ता है टाइप्स, वैसी चीजों के ऊपर। गाइस फोन में 1% बैटरी रह रही थी और स्कॉर्पियो में डेटा केबल भी नहीं थी, तो फिर घर जाके थार लेके आया हूँ। अब रात को थोड़ी देर इसमें गेड़ी मारते हैं और इस व्लॉग को करते हैं यही खत्म। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।